आसान को आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इधर हमने चिकन लिया है 1 kg। उसके बाद हम लोग टमाटर लेंगे, दो टमाटर लेंगे, उन्हें हम इस तरह से काट लेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्चें लेंगे, उन्हें भी हम इस तरह से बड़ी बड़ी काट लेंगे। प्याज लेंगे, हम एक प्याज लेंगे और उसे हम बड़ी काट लेंगे। उसके बाद हमें मसालों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। काली मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच, साबुत काली मिर्च लेंगे, लौंग भी हम साबुत लेंगे 1/2 चम्मच। उसके बाद हम सूखा धनिया लेंगे 2 चम्मच लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 चम्मच। उसके बाद दालचीनी लेंगे हम 3 से 4 टुकड़े ले लेंगे दालचीनी के, और जीरे का हम 1 चम्मच बड़ा ले लेंगे। सौंफ हम 2 चम्मच लेंगे। उसके बाद हम काली मिर्च लेंगे 1.5 चम्मच लेंगे। नमक हमने इधर 2 चम्मच लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हम 1/2 चम्मच लेंगे। आगे हम दही लेंगे, दही हम 1 प्याली लेंगे। अब इधर हम चावल लेंगे, चावल हम 2 कप लेंगे, उन्हें भिगो लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा प्याज लेंगे, उसे हम दो बड़े बड़े पीसों में काट लेंगे। उसके बाद हम अदरक लेंगे, अदरक को भी हम छील के काट लेंगे। उसके बाद हम लहसुन लेंगे, लहसुन के 3-4 जवे लेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने इधर देचके में पानी रखा हुआ था, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें सौंफ डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, लौंग डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम ये सारे मसाले, इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे और इसे पानी देंगे। इसे रखे हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को पकते हुए यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा चिकन निकाल लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। बाकी जो हमारी यखनी थी इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, और नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं अब हमने यखनी को छान लिया अच्छे से। अब हम देख के लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हमने प्याज ऐड कर लिया, अब हम इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये तो आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन होने पे आ चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे और इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये तो आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च तो आप देख सकते हैं टमाटर और सब्ज मिर्ची अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, भूनी हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे अपना। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये तो आप देख सकते हैं चिकन को हमने 5 मिनट के लिए और भूना था। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। इसे हम 5 मिनट के लिए और भूनेंगे।
अब हमने इसे पाँच मिनट के लिए भुना है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हम आधी प्याली डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दही में भून लेंगे। चिकन को भूनते हुए हमें पाँच से दस मिनट हो चुके थे। चिकन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारी यखनी ज़्यादा बन चुकी है, इसलिए हम हाफ यखनी डालेंगे। और इसे हम डाल देंगे उबाल आने तक। जितना आप देख सकते हैं, अब इसे उबाला आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब हम इसे डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये तैयार होते हैं हम आपको सर्व करते हैं। जी तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।